स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जो आंसर की आई है वीडियो री एग्ज़ाम की, उसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं क्वेश्चंस के या जिनमें कुछ डाउट्स हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था, कुछ क्वेश्चंस पे डाउट था उनका, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इसके अलावा जीएस के जितने क्वेश्चंस पे डाउट है वो सारे मैं डिस्कस करूँगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही हैं लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही। बहुत से यूट्यूबर्स सही तरीके से बिना फैक्ट्स को चेक किए आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या इसका आंसर गलत है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से देखने के बाद ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दो लड़के तो देखेंगे ही, ऐसा सीन नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन जो करने वाले क्वेश्चन है वो उसको ऑब्जेक्शन आप कीजिएगा। उसका अगर आप मेरे से सोर्स बोलेंगे तो अभी मैं आपको सोर्स बताऊँगा। अगर आप उसको उसकी PDF चाहिए होगी या उससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँ, इसका PDFs जो भी होंगे वो प्रोवाइड कर दूँगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ऐड रहिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही, मैं डिस्कशन शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक मिनट के लिए और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे उसका रीज़न ये है कि जो इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन है आयोग का वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लिया गया है या कुछ भी यूज कर लिया गया है। हिंदी वर्जन जो है क्वेश्चंस का वो बहुत ही गलत है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, और उसका सेंस बिल्कुल बदल जा रहा है। मेजर प्रॉब्लम इसी वजह से है। तो आप क्वेश्चंस को जो भी आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो वहाँ पे आपके लिए डाउट ज़रूर होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जहाँ तक मुझे पता है हर किसी भी एग्ज़ाम में आप भले हिंदी मीडियम में दे रहे हो लेकिन ऐसा लिखा होता है कि अगर आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा, इंग्लिश हिंदी में कोई अगर कन्फ्यूजन होगा, या ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसका अलग सेंस है और हिंदी का अलग सेंस है, तो इसकी स्थिति में इंग्लिश को ही माना जाएगा, ऐसा जनरली इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है उसी का है, उसी की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और भी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें हिंदी में जो लिखा है पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, ये हिंदी वर्जन। अगर आप इंग्लिश में देखिए द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, वाटर स्ट्रेस का मतलब होगा जहाँ पानी कम होगा, स्ट्रेस का मतलब जहाँ पानी कम होगा उसके लिए वाटर स्ट्रेस हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर 05 जो दिया है बिल्कुल सही है, आयोग का आंसर सही है। इसमें आप लोग अनावश्यक रूप से डाउट में ना आए, हाइड्रोफाइट नहीं होगा, जेरोफाइट सही है, क्योंकि अगर इंग्लिश वर्जन को ही हमेशा प्रीफर किया जाता है तो जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो वाटर स्ट्रेस इन द सेंस कि जहाँ पे पानी की कमी होती है उनको हम जेरोफाइट ही बोलते हैं। बात करें दूसरा क्वेश्चन का कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गलतियाँ हैं। इंग्लिश में जो लिखा गया है ड्यू टू विच इंसिडेंट गांधी जी कॉल ऑफ द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए यहाँ पे कॉल ऑफ में सिर्फ एक एफ लगा हुआ जबकि होना चाहिए था OFF। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को विड्रॉ कर लेना या रोक देना। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश वर्जन की बात करें तो उसमें भी थोड़ी त्रुटि है, उसके हिसाब से सही आंसर होगा चोरी चौरा कांड। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो हिंदी में लिखा गया कि आह्वान किया था मतलब शुरुआत किससे की थी, तो उसका तत्कालिक कारण तो रॉलेट एक्ट था, 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसके बाद से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्शन डालेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से आयोग इसमें हो सकता है कंसीडर करे, सबको मार्क्स दे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो दोनों ही वर्जन में कन्फ्यूजन है और गलत भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लिट्ज शब्दावली जो थी, ब्लिट्ज ये पूछा गया किस खेल से है, इसका आंसर आयोग ने अमेरिकन फुटबॉल माना है लेकिन ये चेस से भी संबंधित है, 100% सही है। आप इसको जो फिडे होता है उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं या तो जो इंडियन चेस अथॉरिटी है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, दोनों पे ही ब्लिट जो है वो चेस की ही शब्दावली है, लूसेंट में भी आपको मिलेगा। आप इसके लिए अगर आपके आंसर गलत है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए, और वैसे भी मुझे लगता है संशोधित आंसर की में आयोग इसको सही कर लेगा। और बात करते हैं एक क्वेश्चन पे जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट था कि कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के कारण रूप में परिवर्तन दर्शाती है। ठीक है, इसका आंसर आयोग की तरफ से गलत दिया गया है, क्योंकि जो रॉक्स का
फॉर्म चेंज होता है वाटर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से, पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से जिनका चेंजेस होता है, वो इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो चाहे मेटामॉर्फिक हो, तीनों का ही रूप चेंज होता है। इग्नियस चेंज होकर दूसरे में बदलती है और सेडिमेंट्री भी बदलती है, इवन जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं वो दोबारा री मेटामॉर्फिक भी हो जाती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो एक से अधिक होंगे, और यहाँ पे भी मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि सबको इसका वेटेज मतलब इसके जो मार्क्स हैं वो सबको मिलेंगे। बात करते हैं 26 की सेकेंड शिफ्ट की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था, RCS स्कीम के तहत उत्तर पूर्व का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इस पर बहुत लोगों ने अपने अपने जवाब दे रखे हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे आप जाके सर्च कीजिएगा। तो इसमें उत्तर पूर्व का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बनाया गया है वो पॉकिंग है, जो कि सिक्किम का एयरपोर्ट है। और बिल्कुल सही है आंसर, आयोग का जो आंसर है वो सही है, आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करें। और इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल के में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं इसको। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा नहीं कि कहीं गूगल करके कुछ और कहीं से मिल सकता है ज़रूर, लेकिन आयोग जो मानता है वो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को ही मानता है, इसलिए ये सही है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा है कुछ लोग का डाउट था कि एंटासिड और टूथपेस्ट में कॉमन क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सही आंसर है, यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम 27 की फर्स्ट शिफ्ट की। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, निर्लानी सारा भाई, इनका संबंध भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकता है सबको मार्क्स मिले, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और इस पर आपके मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पे जो कमेंट बॉक्स में भी मेरे से किसी ने पूछा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देखिए इस क्वेश्चन में फिर से वही प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश वर्जन की प्रॉब्लम है। इंग्लिश में जो लिखा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया करके लिखा हुआ है, तो इंडिया में तो RBI होती है, लेकिन हिंदी में जो लिखा हुआ है उसमें सिर्फ विश्व आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट जो लिखी है उसका उसमें इंडिया का जिक्र कहीं नहीं है, तो वहाँ पे तो आंसर IMF हो सकता है। तो दोनों से आंसर अलग अलग हो रहा है, इसमें आप ऑब्जेक्शन दीजिए, आयोग इसको करेक्ट करेगा, और यहाँ पे आप इसके लिए जो भी होता है RBI की साइट है उसका यूज कर सकते हैं, और IMF को लिए आप IMF की साइट से ही इसको दोनों को लेके अपने अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हिंदी वाले IMF की साइट का आप जिक्र कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले जो हैं RBI की साइट पे ये अवेलेबल है, उसके उससे आप उसको अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा 27 के सेकंड शिफ्ट में बहुत लोग पूछ रहे थे, 27 के सेकंड शिफ्ट में मुझे कुछ डाउट नहीं लगा, क्योंकि जो चार्टर एक्ट का बात था उसमें कंफर्म है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ही कंपनी का जो चीन के साथ और भारत में चाय का जो व्यापार का एकाधिकार था, मोनोपोली जो थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। 1813 में जो था वो भारत में जो व्यापार था उसके मोनोपोली को समाप्त किया गया था, और 1833 में चीन और चाय का जो व्यापार था उसकी भी मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। ये सारे क्वेश्चन हैं जिन पे आपके डाउट हो सकते थे, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पे मुझे कोई डाउट नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं या किसी में आपको डाउट लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन क्वेश्चंस को आप जिसमें ऑब्जेक्शन करना है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और डाउट रह जाता है कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम चैनल पर मैं जो इससे रिलेटेड PDFs हैं या स्क्रीन शॉट्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको लेकर अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी पढ़ाई करते रहें। देखिए वीडियो का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, अब आगे आप आगे की रणनीति पर लगे, इन सब चीज़ों में उलझे ना रहें और पढ़ाई करते रहें, यही आपका मेन मोटो होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।